मैं सारे अमृतसर दे शहर वासियों को यही कहूँगी कि गुरजीत सिंह औजला जिहड़े कि तुसी पहला भी दो बार चुन के पार्लीमेंट च भेजे ने और उन्होंने कम्मां तों तुसी पली भांति वाकफकार हो और मैनू ये दसन की कोई मैनू लगता कि लोड़ नहीं इत्थे कि उन्होंने की किया शहर वास्ते ते तुसी इस बार फिर अपने दिल की सुनोगे तो औजला चुनोगे तो उन्होंने दोबारा तो पार्लीमेंट में भेजोगे भारी बहुमत नाल जिता के। अज असी साडा सारा परिवार है जी, मेरे सारे भैणा भाबियां मेरिया फ्रेंड्स ने, असी लॉरेंस रोड के दोनों साइड्स नू अज असी कवर करना है। सिर्फ असी गुजर जाना है, असी कोशिश करांगे कि ट्रैफिक नू ना बहुता असी हिंडर कर सकीए और एक साइड तो जाके दूसरी साइड तो वापस आवांगे। पब्लिक कन्वेंशन से यार सॉरी कन्वेंशन ऑफ चुनाव प्रचार दी चुनाव प्रचार से जी जी चुनाव प्रचार दा ए चोणा दा जड़ा कैंपेन दा ए असी इथे शुरुआत कीती अज दे दिन। वड्डी चुनौती है, किथे देख रहे हो आप? महिलाओं दा किस तरह दा उत्साह रहेगा कुछ बोलने नु लायक? महिलावां दा कलियां दा नहीं, मैनूं लगता सारे अमृतसर दा ही बहुत उत्साह है। मैनूं तो तुहाडे चेहरियां तो वेख के भी एक खुशी दिख रही है तुहाडियां अखां दे विच, क्योंकि जे सेंटर की गल की जाए तो मोदी सरकार जो डैमेज कर रही है कंट्री नूं, उस हुण साडे लई प्रायोरिटी सिर्फ अपना जिला या अपनी स्टेट नूं बचाउणा नहीं है, साडी प्रायोरिटी अपने देश नूं भी बचाउणा है। सो मेरा इहो ही नारा होएगा कि जिथे जिथे भी तुहाडे भैण भरा थ्रू आउट इंडिया हैगे ने, सारिआं नूं एक संदेशा लाया जाए कि मोदी के डैमेज तो कंट्री नूं बचाओ, क्योंकि वह फिरका प्रस्त राजनीति कर रहा है। वह हिंदू मुस्लिम चाइना पाकिस्तान तो इलावा चार छः शब्दों तो इलावा वो को होर कुछ नहीं है कहने लिए। सो हूँ अज की तरीक दे जो जरूरत है वो ये है कि असं अपने देश को किस तरह एकमुठ होकर रख सकते हैं। पर आम आदमी पार्टी का भी नारा है जी 13-0 का। देखो पार्टी वालिया ने नारा तो देना ही होंगे 13-0 का, ये ख्वाब लेना हरेक की एक डेमोक्रेटिक राइट है कि तुसी है ना अपने ख्वाब लै सकते जी। इंस्पेक्टर मैडम जी बेनती है कि आप विकास पंजाब की करने की गल आप चंडीगढ़ के विकास की गल करते हैं, ताडे घर के खूह के अगर भी गंदा नाला लगता, लोग लखा हजारा बंदे जोड़े कैंसर तो पीड़ित हो रहे, किसी का टीवी नहीं चलन दिया, किसी का फ्रिज नहीं हो रहा, इन्ने साल ताकि हुकूमत रही है, हाँ ताडे खूह ही देखो कि नाला गंदा नाला अजे तक घंटा ट्रेन जो कहते हैं अभी तक तुम्हें मसला हल नहीं करा सकते। लोग मैं लागे सुन रहा तक ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਿਮਾਇਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ MP ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ।
कोई भी एक योजा इशू नहीं है जोड़ा उन्होंने अगेंस्ट जाता है। सो मैं लगता है कि ठीक है, हर एक पार्टी के जो नुमाइंदे ने या कैंडीडेट्स ने उन्होंने अपनी मेहनत करनी है और करनी भी चाहिए आ, पर लोगों ने 50% डिसाइड कर लिया है उन्होंने किनू जिता है। ये तू भी पता है, मैनू भी पता है, और बाकी जोड़े लोग रह गए ना उन्हों का जो भी डिसीजन है 4 तरीक नए सामने जिन्ना मैक्सीम जा सकते होवे असं जावे। पब्लिकली यही अपील करना चाहते हैं कि तुम साडा साथ दियो और तुहाडे साथ दे नाल एक बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा औजला साहब नूं, और जो काम उन्होंने जिहड़े उन्होंने काम कुछ रह गए ने उस तो भी ज़्यादा शिद्दत नाल अपने शहर वास्ते जो भी मैक्सीम कर सकते होणगे वह करनगे। मैनू तो नहीं लगता तुहानूं किहने कहता है।